इंशाल्लाह उनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है। हाँ। साहब को पता है बॉलिंग इतनी है, जो फास्ट बॉलर हैं बहुत अच्छे हैं और स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है उनकी, बैटिंग भी बहुत ही अच्छी है। पाकिस्तान की बॉलिंग में एक बॉलर पूरा बॉलर होता ना, एक पूरा बॉलर, नसीम नहीं कह रहा मैं कि लोग समझे कि नसीम ख्वाबों का छह घंटा, उसमें कुछ भी नहीं है, ये मैं बता दूं, पूरा बॉलर होता पाकिस्तान वो मैच जीत चुका तो नहीं है, लेकिन होम है उनका, उनका मैं नहीं कह रहा है, उनका घर है, इस वजह से उनको एडवांटेज है, वो उसी पिचेस पे खेलते हैं। तो इस दफा हम, हमारा तो कोई चांस नहीं है यार। अच्छा हमारा दुआएं करो यार सारे, हमारा दुआओं से चांस बनना, अदरवाइज हमारा कोई उस तरह का, इंडिया के खिलाफ कोई भी होता, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, होता तो इसी तरह होता, अपसेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें दो तीन रीजन है। एक तो अंपायर्स जो है वो न्यूट्रल नहीं है। अच्छा किसकी साइड ले रहे हैं? इंडिया की साइड ले रहे हैं, सबको पता है। आपके पाकिस्तान के मैच में भी जो एक दो डिसीजन हुए हैं वो उन्होंने, हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि यार ये आपने 350 क्यों किया, 400 क्यों नहीं किया। इंडिया ने इस बार करिश्मा कर दिया है, मौजा कर दिया है कि उन्होंने बॉलिंग भी पैदा कर ली है, उन्होंने बैटिंग भी पैदा कर ली और ऐसी आउटस्टैंडिंग टीम बन चुकी है, तो उनकी क्वालिटी नजर आ रही है यार। आप देखो उनकी परफॉर्मेंस देखो, वो कैसे आ रहा है, शेर के मुंह में से बोटी छीन के ले जाते हैं, यानी कि जीते हुए से जो है ना उसे हरा देते हैं, ऐसे मैच जीत जाते हैं। इंडिया वाले जो है ना ये गैरतमंद लोग हैं, ये मुहब्बे वतन है, इनके अंदर एक मोहब्बत है अपने वतन के साथ, अपनी क्रिकेट टीम के साथ, सर सब हैं लेकिन वो भूलते नहीं है अपने, उनके मुल्क के लिए गलत बात की हो ना वो नहीं भूलते। आप फाइनल में इंडिया अनबीटेबल जाएगा, कोई मैच नहीं हारेगा फाइनल में तो मैंने आपको बताया वन साइडेड मैच होगा, इंडिया जीतेगा वो मैच। मैंने तो पहले आप फिर वही बात करेंगे, देखिए फाइनल ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह नजदीक है फाइनल, आप फाइनल वाले दिन को भी नोट कर लीजिए, आपको इंशाल्लाह नजर आएगा उसके बीच में। इंडिया ने इस बार करिश्मा कर दिया है, मौजा कर दिया है कि उन्होंने बॉलिंग भी पैदा कर ली है, उन्होंने बैटिंग भी पैदा कर ली और ऐसी आउटस्टैंडिंग टीम बन चुकी है। देखिए पाकिस्तान अभी रिसेंटली एक मैच जीता है, चार हार के बाद एक मैच जीता है पाकिस्तान रिसेंटली, वो भी बांग्लादेश से, किसी बड़ी टीम से नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तानियों की जबरदस्त हार के बाद पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जबरदस्त गालियां भी मिल रही हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों को सेलिब्रेट करते हुए देख उनकी रात की नींदें भी छिन गई। तो दोस्तों आइए पहले वीडियो दिखाते हैं फिर बात करते हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि बांग्लादेश बिक चुका हुआ था, वो पाकिस्तान को आगे लाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अच्छी क्रिकेट देखने वाले को समझ आती है, उसे नजर आती है, ठीक है। इंडिया एक अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, देखिए उनके कप्तान चल पड़े हैं, उनके विराट कोहली चल पड़े हैं, उनके बॉलर चल पड़े हैं और उनके बॉलर ऐसे, उनके स्पिनर विकेट ले रहे हैं, पाकिस्तान के स्पिनर मार खा रहे हैं, लेकिन सर उनके जैसा टैलेंट कहां से लाओगे, उनके जैसी परफॉर्मेंस कहां से लाओगे, उनके जैसे बॉलर कहां से लाओगे। एक और चीज देखिए, मैंने आपको कुछ इंटरव्यू पहले ये बात क्लियर की थी कि इंडिया जो है कोई मैच नहीं हारेगा, सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच जाएगा, आपने मजाक बनाया मेरी बात का। ऑडियंस ने शुएब भाई को कहा भी था नीचे कमेंट में कि आबिद भाई सही कह रहे हैं, लेकिन शुएब भाई फिर कह रहे हैं जी कि वो आबिद भाई ज्यादा होगी थोड़ी कम। फाइनल में इंडिया अनबीटेबल जाएगा, कोई मैच नहीं हारेगा फाइनल में तो मैंने आपको बताया वन साइडेड मैच होगा, इंडिया जीतेगा वो मैच। मैंने तो पहले आप फिर वही बात करेंगे, देखिए फाइनल ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह नजदीक है फाइनल, आप फाइनल वाले दिन को भी नोट कर लीजिए, आपको इंशाल्लाह नजर आएगा उसके हकीकत को। इंडिया इस टाइम जो क्रिकेट खेल रहा है सर वो कोई आम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इंडिया उनके खिलाड़ी अच्छा, इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप गंगोली के जमाने से लेके धोनी तक ले आए और धोनी से लेके विराट कोहली से होते हुए रोहित शर्मा तक ले आए, ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, और सिराज, शमी, बुमराह, और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड आई थिंक और आपकी मैनेजमेंट, आई थिंक इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया लड़कों पर और उनको आगे लेके आए। और फिर आपको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, क्योंकि उसने इधर देखा वहां नहीं देखा, अय्यर को खिलाया, उसने उन्हें कहा भाई जितनी मर्जी दफा फ्लॉप हो, टीम मैनेजमेंट को तान नहीं कहा भाई मैंने ड्रॉप नहीं करना अय्यर को, ना ही मैंने सिराज को ड्रॉप करना है, मैंने खिलाना है। सो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यार आई मीन ही इज प्रॉबली द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ, ये ना होता रोहित तो इतनी अच्छी टीम बिल्ड ना होती, अगर केएल राहुल बीच में ना आते श्रीलंका में, और अगर हार्दिक पांड्या अनफिट ना होते तो शमी ना आते, तो इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड और यहां से ऑन स्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। बट माई विश is to Hindustan is that you know you start celebrating your fast bowlers now, खुद ने बनाई है ना उनकी, जो उनकी बारी आए तो बैटिंग पिच बना लेते हैं, उनकी बारी आए तो बॉलिंग पिच बना लेते हैं। नहीं, मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और मोहम्मद शामी भी, बुमराह भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी बुमराह दुनिया के नंबर वन बॉलर रह गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जो इस समय परफॉर्मेंस दे रहा है आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी सिलेक्शन, उसका बोर्ड, उसका तमाम क्राउड उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी सिलेक्शन है वो तो नकाबले बयान है। इन्होंने जो सिलेक्शन की है, तीन चार प्लेयर ऐसे हैं जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। मैं तो क्योंकि उनके पास गैरत है और वो गैरत है उनके पास। हाँ, हम उनके पास वो ईमान के साथ और गैरत के साथ और मुल्क को अपने शान के साथ ग्राउंड में उतरते हैं, और जिस तरह हमारे क्रिकेट और हमारे सियासतदान है, इस वजह से हमारी ना क्रिकेट तरक्की कर सकती है
और ना हम लोग, क्योंकि हम हमारा ईमान भी और हम मुनाफिक लोग हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच था यार, इंडिया ने बड़ा अच्छा खेला है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी खेले हमारे भाई हैं वो, ठीक है, हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि हाँ, पाकिस्तान जब उनके साथ खेलेगा दोबारा तो मैं भी वो दोबारा से जीत जाए। इंडिया की बॉलिंग है, इंडिया भाई इंडिया जीत जाएगी यार, इतना बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, श्रीलंका इतना कोई खास मेरी नज़र में इतनी कोई खास टीम नहीं अच्छी, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान से अगर मैच होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। हमारे साथ बहुत गलत हुआ मुर्शिद, हमारे साथ बहुत गलत हुआ मुर्शिद, हमारे साथ गलत ही होता है यार वो, पता क्या बात है, असल में हमारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इंडिया जो है ना पाकिस्तान के साथ जो अफगानी भी मैच करते, इंडिया भी मैच करते, जो भी है ना श्रीलंका भी है, पाकिस्तान का टीम पहला बोला अच्छा टीम था, अभी जो नई नया आता है वो उसने बड़ा ये टीम का नाम बदनाम किया था, बॉलिंग भी सही नहीं करते, बैटिंग भी सही नहीं करते, जो पहला था शाहिद अफरीदी है और कोई है, उसने बड़ा अच्छा पाकिस्तान का नाम उड़ाया, और जो अभी अभी आया था उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था। जब आप किसी को फटाफट ड्रॉप करते हो, और ये बात शोएब ने भी बहुत बार बोली है कि देखिए किसी को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसको सेलेक्ट करने का कोई कारण होना चाहिए, जब आप उसको ड्रॉप करते हो तो ये सिर्फ उसकी फेलियर नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की फेलियर भी है कि आपने सही बंदा पिक नहीं किया था, तो तभी तो आप इतनी जल्दी उसके इंपेशेंट हो ना कि उसकी दो इनिंग्स खराब हुई, आप अपने आप को डाउट करते हो, उसको डाउट करते हो, इसका मतलब अपनी जजमेंट को भी डाउट कर रहे हो। तो अगर आपने सोचा कि श्रेयस अय्यर अच्छा है तो यार दो मैच खराब होने से तो वो खराब नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा देखिए अगर, क्योंकि ना अपने आप को उन जगह पे डालना बड़ा जरूरी है ये समझने के लिए कि मैं कैसा फील करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी क्यों किसी को डांटते नहीं है, वो ना किसी को नहीं डांटते हुए देखते, आप उनको कभी गुस्सा करते नहीं देखते, रोहित शर्मा भी वही फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनसे अगर आप पूछोगे बताएंगे कि ना मैं सबसे अच्छा तब करता हूं जब ना मैं रिलैक्स होता हूं, तो जब मैं रिलैक्स होकर अच्छा कर पाता हूं तो मुझे भी सामने वाले बंदे को रिलैक्स करना है ना, अगर मैं उस पे दबाव डालूंगा जो दबाव मुझे पसंद नहीं है सो वो अननेसेसरी है, तो मैं उसका बेस्ट नहीं ला सकता। और सिमिलरली कि अगर मैं किसी को बैक करता हूं, क्योंकि खराब समय मेरा भी गया, मुझे किसी और ने बैक किया था, आज मुझे किसी और को बैक करना है, और अगर वो क्लैरिटी आपके दिमाग में है तो फिर आपको रोक नहीं सकता। और इस कप्तान की, इस मैनेजमेंट की देखिए आलोचना आप कर सकते हैं, हम भी बात कर रहे थे कि यार ये जूजी चहल क्यों नहीं, अश्विन क्यों, ऐसी सारी चीजें, सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। और दूसरी रीजन ये है कि आप इंडिया में मैच कर रहे हैं और सारे आपके क्राउड उधर का है, 1.5 लाख क्राउड बैठा होता है जब आपके स्टेडियम में, तो डेफिनेटली उनको काफी सपोर्ट होती है, तो जब बिल्कुल फैसला होने वाला होता था तो आप नॉट आउट दे देते थे। आपने कोहली का 100 नहीं देखा, अंपायर ने कैसे 100 कराई है उसकी, ठीक है, सेंचुरी उसकी जो हुई है, हाँ, बिल्कुल वो वाइड बॉल थी, हाँ जी वाइड बॉल थी, और उन्होंने उसको नहीं दिया, उसने उसके बाद अपना जो है बाउंड्री लगा के अपनी 100 पूरी की। कोई बात नहीं, आके एक दफा वर्ल्ड कप खेल के वापस आए, उसके बाद ये बाबर आजम के बारे में, वैसे भी मैं नहीं समझता कि एक दो टूर्नामेंट हारने से तो आप अपना कैप्टन चेंज कर फिर रखेंगे, हर टाइम सियासी मामला गेम में आ जाएंगे तो फिर वो सारे काम खराब होंगे। ये जो क्रिकेट है ना ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे हमने देखा है कि जो अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर है उसको कैप्टन बनाया जाए, ठीक हो गया। बेसिकली दुनिया में मैनेजमेंट जो बेहतर करते हैं उनको कैप्टन बनाया जाता है, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आपका प्लेयर अच्छा है तो आप उसको उठा के कैप्टन बना दें, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर अच्छे मार्जिन से जीते भी तो बाकी टीम्स का भी ऑप्शन है, इस वजह से बहुत मुश्किल चांस है आगे बढ़ने। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत के कुछ क्रिकेट फैंस इतना डांस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए वे मर तक जाने की बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि पूरे खिलाड़ियों को सस्पेंड करने की भी बात कर रहे हैं। यह बात यहीं तक नहीं रुकती बल्कि वे इसमें पॉलिटिक्स भी घुसेड़ कर कहते हैं कि पाकिस्तानियों के हारने के पीछे इमरान खान का भी हाथ है। हद तो तब हो गई जब वे अपनी हार का जिम्मेदार अंपायर को ठहराने लगे और वे कहने लगे कि अंपायर ने गलत डिसीजन देकर पाकिस्तान को हराया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके के दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।